दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सेलेक्ट ऑल कर लें। धनु राशि वालों हो जाओ तैयार, क्योंकि अब जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और धन की देवी मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको 6 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी कि दिसंबर माह के ये जो 26 दिन हैं, जय दोस्तों दिसंबर माह के इन 26 दिनों के अंदर आपको परिवार में मिलने जा रही है एक बड़ी भयंकर खुशखबरी। जय दोस्तों आपके परिवार में एक बड़ी भयंकर खुशखबरी मिलेगी और खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि बधाई देने वालों का मेला लगेगा आपके घर में। जय दोस्तों ऐसी खुशखबरी तो आपको पिछले 10 सालों में ना मिली होगी, ना देखी होगी, ना आपने सुनी होगी, जो कि आपको इन 26 दिनों के अंदर मिलेगी। जय दोस्तों 6 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का जो समय है यह समय आपके लिए बड़ा गोल्डन पीरियड साबित होगा, बहुत ही भाग्यशाली समय साबित होगा। यूं कहीं आपके मन के अनुसार आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, सफलताएं मिलेंगी, लाभ मिलेंगे, धन लाभ मिलेंगे, कामयाबियां मिलेंगी, क्योंकि इस समय सौभाग्यवान योग, गुरु पुष्प अमृत योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन योग, राज योग जैसे अनेकों योग हैं दोस्तों। और दोस्तों इस समय धन लाभ के साथ नौकरी योग भी बन रहा है, जिसमें कि आपको बड़े धन लाभ के साथ नौकरी भी मिलेगी, ये समझें। यह समय आपकी मन के अनुसार इच्छाओं को पूर्ति कराने वाला समय रहेगा, जो आपने मेहनत की है उसके अनुसार आपको अब सफलताएं मिलेंगी, कामयाबियां मिलेंगी। तो दोस्तों कौन कौन सी खुशखबरियां मिलेंगी आपको, किस प्रकार यह समय भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा से रहेगा और कौन कौन सी सावधानियां भी आपको इस समय बरतनी है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है जिससे कि इन जो 26 दिनों का समय है अधिक लाभ आपको मिल जाए, तो बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से वीडियो को बनाया गया है, पूरा वीडियो देखना, बीच बीच में से काट कर वीडियो देखोगे तो कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। इस समय का लाभ उठाना है तो पूरा वीडियो देखें, नसीब वाला ही इस वीडियो को देख पाएगा ये समझ ले, और वो पछताएगा, वो वहां बदनसीब होगा जो आज की इस वीडियो को देख कर भी नजरअंदाज करेगा, क्योंकि आज की वीडियो आपको बड़ा लाभ देने वाली है, ये समझे आप। किस प्रकार भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, अंत तक वीडियो में बने रहें। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि आपको घर घर मिठाई बांटनी पड़ जाएगी, ये समझने। मिठाई बांटते फिरोगे, ढोल नगाड़े बजेंगे, क्योंकि समय ही आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरियों वाला रहेगा जो आपको इन 26 दिनों में मिलेंगी। 6 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का संपूर्ण सटीक राशिफल अंत तक बने रहे वीडियो में, पूरा वीडियो देखें। आगे शुरू करें वीडियो को, सबसे पहले तो भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त लाइक करना वीडियो को सबसे पहले, और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखना, जिससे भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके, इनकी कृपा आपके और आपके घर परिवार वालों पर सदैव बरसे। तो चलिए दोस्तों समय को न गवाते हुए बात करते हैं किस प्रकार जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और धन की देवी माता लक्ष्मी की असीम कृपा से, इनके आशीर्वाद से आपकी राशि वालों के लिए 6 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी कि दिसंबर माह के 26 दिनों का यह समय रहेगा आपके लिए। शुरू करते हैं दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस समय कोई महत्वपूर्ण और लाभदायक सूचना आपको प्राप्त होगी दोस्तों, और जानकारों के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करें। जा दोस्तों यह संबंध आपके लिए आर्थिक संबंधित नई उपलब्धियां उत्पन्न कर सकते हैं, साथ ही साथ इस समय कोई पैतृक संपत्ति संबंधित मामलों के हल होने की संभावना है। धन के निवेश संबंधित कार्यों पर भी अधिक ध्यान दें, क्योंकि यह जो समय है ग्रह गोचर के हिसाब से, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से
बड़ा अच्छा समय, लाभदायक समय चल रहा है। इस समय का भरपूर सदुपयोग करें, विशेष लाभ होगा आपको। साथ ही साथ बच्चों की किसी उपलब्धि से घर में सुकून भरा माहौल रहेगा। अगर घर में सुधार या साज सज्जा संबंधित कोई योजना बन रही है तो वास्तु संबंधित नियमों का पालन अवश्य करें। साथ ही साथ रचनात्मक व धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान रहेगा। जरूरतमंदों की सहायता भी आप कर सकते हैं, इसमें समय व्यतीत होगा। साथ ही साथ चुनौतियों को स्वीकार करना आपके लिए उपलब्धि का मार्ग भी खोलेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में गहराई से छानबीन कर लें, इससे आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे। साथ ही समाज में आपका मान सम्मान व रुतबा बढ़ेगा। और किसी मित्र के मुसीबत के समय में इस समय आप उसका सहयोग करेंगे, जिससे आपको आत्मिक खुशी प्राप्त होगी। साथ ही आपका अपने उसूलों और सिद्धांतों पर अड़िग रहना समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह आपके ऊपर बना रहेगा, आपके लिए वरदान साबित होगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, इसलिए उनकी सेवा जरूर करें। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय आपको अपने खर्चों को सीमित रखना होगा, सीमित रखें, नहीं तो बजट आपका बिगड़ सकता है। किसी नजदीकी रिश्तेदार के आपकी जिद की वजह से थोड़े संबंध खराब होने की भी आशंका है। अपने स्वभाव में लचीलापन रखें तथा रिश्तों की भी मर्यादाओं को ध्यान में रखना आपके लिए आवश्यक है। और इस समय आपको अपने संतान के प्रति भी थोड़ा ध्यान देना है, क्यों संतान की किसी गलत संगति की वजह से आप चिंता में पड़ सकते हैं, परंतु आपकी समझदारी में समझबूझ से समस्या का हल भी निकल जाएगा। और कुछ समय ऐसा भी होगा जब आपके लिए विरोधियां आपको कुछ मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। आपके जो विरोधी हैं, जो आपसे जलन रखते हैं, क्योंकि आपके लिए यह समय कामयाबियों से भरा है, सफलताओं से भरा है, इसे देख आपके विरोधी जो आपसे जलन का स्वभाव रखते हैं आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, परंतु आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, आपको विजय हासिल होगी। आपको अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने से पहले कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा, परंतु आपका आत्मविश्वास आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। चिंता आप बिल्कुल ये समझे कि आपको चिंता करना ही नहीं है, क्योंकि आपका आत्मविश्वास आपको बड़ी कामयाबी दिलाएगा। और साथ ही साथ प्रेम जीवन से संबंधित बात करें तो यह समय घर परिवार में विवाह से संबंधित कोई मांगलिक शुभ कार्य से संबंधित कोई कार्य संपन्न हो सकता है, योजना बन सकती है। रिश्तेदारों और भाइयों से मुलाकात वातावरण को और आनंदित रखेगा। और साथ ही साथ व्यस्तता के कारण घर परिवार की देखभाल में आप उचित समय नहीं दे पाएंगे, परंतु जीवन साथी, घर परिवार के लोग इस बात को समझेंगे और आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। और साथ ही साथ घर में किसी भी मुद्दे को आपस में बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं और माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए मनोरंजन संबंधित प्रोग्राम बनाएं। साथ ही साथ विवाहित जीवन को खुशनुमा बनाने में आपकी विशेष महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की खटास उत्पन्न आप ना होने दें। अपने व्यवहार को अच्छा रखें, संयमित रखें, प्रेम संबंध बड़े अच्छे रहने वाले हैं। समय चिंतित बिल्कुल ना हुआ, बड़ा अच्छा समय प्रेम जीवन के लिए। और यह समय आप घर परिवार के लोगों के साथ कहीं शॉपिंग इत्यादि के लिए भी जा सकते हैं, कहीं बाहर डिनर इत्यादि के लिए जा सकते हैं। तो समय खुशनुमा आनंद में, बड़ा अच्छा समय प्रेम जीवन के लिए। ऐसे घर परिवार की दृष्टि से बड़ा अच्छा समय व्यतीत होगा, भरपूर लाभ उठाएंगे सभी लोग इस समय। बात अगर आपके बिजनेस व्यापार की करें तो दोस्तों, इस समय कार्य क्षेत्र में भी किसी काम को करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि कुछ निर्णय गलत होने की आवश्यकता है, आशंका है। सॉरी, विद्यार्थियों को भी एक बात का यह ध्यान देना है कि
विभागीय परीक्षा में मनोअनुकूल जो आपके परिणाम प्राप्त होंगे, यह जो समय है विद्यार्थियों को नौकरी से संबंधित मन के अनुसार अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, मतलब कि आपकी मेहनत रंग लाएगी विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए। और बिजनेस व्यापार से संबंधित भी हमने आपको बताया, कार्य क्षेत्र में अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, लाभ रहेगा आपके लिए। और एक बात और ध्यान दें कि जो आपका बिजनेस व्यापार है, जो साझेदारी में कार्य करते हैं, साझेदारी में जो भी बिजनेस व्यापार है, उन लोगों को विशेष सावधान रहना है। आपके साथ धोखा हो सकता है, आपका साथी ही आपको धोखा दे सकता है जो बिजनेस व्यापार साझेदारी में करते हैं। थोड़ा सावधान रहें, सभी के लिए नहीं कह रहा, कुछ लोगों के लिए कह रहा हूं। सावधान मतलब कि जो भी कार्य हो आपकी निगरानी में हो, आपको उसका मालूम होना चाहिए, इस प्रकार थोड़ा सावधान आप रहें। और जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें बिजनेस व्यापार में, क्योंकि कुछ निर्णय गलत भी हो सकते हैं, परंतु ज्यादातर स्थितियां लाभ की हैं आपके लिए। और जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, खानपान, पेट्रोपंप इंडस्ट्री और सोशल मीडिया इत्यादि से जुड़े जो भी व्यवसाय हैं, इनका आपको अधिक से अधिक मार्केटिंग करना है, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, मतलब कि आपको ज्यादा से ज्यादा इसका अपने बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, विशेष लाभ होगा आपको, क्योंकि यह समय बिजनेस व्यापार के लिए बड़ा अच्छा है। और नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों के लिए इस समय प्रमोशन इत्यादि के योग हैं, वेतन वृद्धि के योग हैं, स्थान परिवर्तन के योग हैं, और आपको इंसेंटिव बोनस इत्यादि मिलने के पूरे योग, क्योंकि आपने जो मेहनत की है उसके अनुसार अच्छा आपके लिए पैसा भी मिलेगा, यूं समझ लें इंसेंटिव के तौर पर। आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी होगी आपकी। और जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, पिछले कुछ समय में प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं, इंटरव्यू दिया है, या फिर आप अपनी पढ़ाई के अनुसार, एक्सपीरियंस के अनुसार जो भी है, नौकरी बड़ी अच्छी मिलेगी आपको, एक अच्छी नौकरी भी आपका इंतजार कर रहे हैं, प्रयासरत रहें, बड़ा अच्छा समय आपके लिए। और बात उन लोगों की करें जो लोग नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो उनको अभी थोड़ा रुकना है, समय उनके लिए अनुकूल नहीं है नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के लिए, जब होगा हम आपको बता देंगे, अभी समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। अगर बिजनेस व्यापार में आपको बढ़ना है तो सबसे पहले उस बिजनेस व्यापार आप क्या करना चाहते हैं उससे संबंधित, आप कोई भी कार्य करना चाहें उससे संबंधित अच्छी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ऐसा ना ले जिससे कि आपको नुकसान उठाना पड़े। और जो लोग विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं, तो प्रयास जारी रखें। कुछ कुछ नसीब जातकों को विदेश जाने का मौका भी इस समय मिलेगा। और स्वास्थ्य की बात करें तो दोस्तों, यह समय स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा अच्छा है आपके लिए। यदि कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है वह दूर होगी। कुछ समय आपको सर्दी जुकाम जैसी समस्या परेशान कर सकती है, लापरवाही ना बरतें, जरा सी असावधानी नुकसानदायक हो सकती है, सावधान रहें आप। और साथ ही साथ वाहन से या फिर गिरने से चोट लगने की भी संभावना है, वाहन को सावधानी पूर्वक चलाएं। बेहतर होगा कि आप वाहन का कम से कम प्रयोग करें, अच्छा रहेगा आपके लिए।